जाफरान दनेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। दनेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पैसा डबल करने के चक्कर में कई महिलाएं इसका शिकार हो गई और उनका पैसा डूब गया है। मामला भिवंडी शहर का है, जहां 3 महिलाओं ने मिलकर बहुत सारी महिलाओं को करोड़ों का चूना लगा दिया है। दरअसल ये महिलाओं से ही पैसा डबल करने के नाम पर पैसा लिया करती थी। किसी महिला ने 10,000 जमा किया तो किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000। महिलाओं को पहले कुछ पैसा मिला, मगर बाद में जब इन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो इन महिलाओं को समझ में आ गया कि वो ठगी का शिकार हो गई हैं। अब महिलाएं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ पैसा छिप छिपा कर जमा करती हैं, मगर ऐसे में डबल करने के चक्कर में इनका पैसा डूब जाता है। इसी तरह से भिवंडी में भी इन 3 महिलाओं ने करोड़ों का चूना महिलाओं को लगा दिया है। महिलाएं जो ठगी का शिकार हुई हैं, उन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरा 1,10,000 है। क्या बोल के बोले, ये जो है ना 10,000 अगर रखेंगे तुमको 1,000 हर महीना मिलेगा। अच्छा। वैसे ऐसे करके और सोना बोले 1 तोले में 1,500 देंगे। अच्छा। हाँ। दो चार बार मिला, वो भी उसी में डाल दिया उसके पास ना, ऐसे ही अभी क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। डेढ़ साल हो गया। पिछले साल 5 नवंबर को रखे थे। क्या हमारे से 10,000 रुपये लेती थी, बोली कि मैं महीना में तुमको दूंगी, और जब तुमको पूरा वापस लेना रहेगा 10,000, तो हम 3 महीना में तुमको 10,000 वापस, तुम्हारा पैसा हम दे देंगे। तो जिससे भी ये पैसा ली है ना, किसी को वापस दी नहीं है। 200 बोली कि 10,000 देंगे तो महीने में तुमको 1,000 मिलेगा। फिर ऐसा करके लोगों के घर पे जा के लालच बढ़ा के वो पैसा ली, 40,000 ली, उसमें तो कुछ दी नहीं है। ऐसे एक आध दो बार 400-500 दी, बोली अभी और दूंगी, अभी आ रहा है, आ रहा बोल के लॉकडाउन लग गया। उसके बाद से पैसा नहीं दिए, कोई को नहीं दी। अब फिर ऐसा पैसा लेते गए कि ये पैसा दो तो तुम्हारा पुराना पैसा वापस आ जाएगा या तुम्हारा जेवर वापस आ जाएगा, इतना पैसा जमा करूँगे। तो लोग वो अपना पैसा निकालने के मारे उसको पैसा दिए तो वो भी नहीं वापस करी। और आज उनको भी पकड़ के अंदर कर दिए ना, ये कोई बात होती है? हाँ सर, जैसे तुम मेरे साथ ज्वाइन हो, मैं तुमको पगार पे रखी हूँ तो तुम्हारे को पगार दे रही ना। अगर मैं किसी को बताई तो मैन कौन है? रूबी है ना टारगेट, तो रूबी को टारगेट बनाओ ना। पब्लिक को और जिसके साथ काम करते उसको क्यों टारगेट बना रहे हो आप? हाँ, सिस्टम रूबी ने स्टार्ट किया था 1,00,000 पे 10,000 महीने का देने का, और पब्लिक लालच में आई। पब्लिक को जैसे जैसे स्कीम के बारे में पता चलता गया, पब्लिक 1,00,000 रुपये रखी, 10,000 रुपये मिला ना, तो 10,000 वो ली नहीं, वापस उसमें डाल दी। 10 का 20 करी, 20 का 40 करी, 40 का 60 करी, ऐसा करते गई पब्लिक, करते गए स्कीम से, पैसे से पैसा बनाइए। हाँ, रूबी की स्कीम में वो उसको इतना लालच आया, वो सोना रखी है, एक बार रखी उसको मिला तो वो पैसे से पैसा, सोने से पैसा बनाती चली गई। वो पैसे बाहर नहीं निकली स्कीम में, अपना भी फंसी, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर ली उसके अंदर, सबको फंसाते चली गई। हाँ, सोना भी अपना डाले, भाई कहना भी बोली कि पैसा देंगे। कोई प्रूफ नहीं, पब्लिक कुछ नहीं। हाँ, कस्टमर लेकर आओ और हाँ तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको ही फायदा रहेगा, ऐसा बोलती थी पब्लिक। लालच में आई फायदे में और अपना नुकसान कर दी। पैसा डबल करने की बात करती थी। हाँ, बाहर की मदद आ रही है तुमको, मैं मदद के तौर पे तुमको मदद कर रही हूँ, मुसलमान हो जो मेरे को मालूम है, ब्याज नहीं बताया गया, बोले मदद आ रही है बाहर से, तुम गरीब हो, तुमको मदद दे रही हूँ मैं, मदद के तौर पे हम रखे हैं और ऐसा कुछ नहीं रखे। बोले वो कौन? हाँ, मेरा 1,10,000 है। अच्छा, क्या बोल के आप इसमें शामिल हुए थे? क्या बोल के बोले, ये जो है ना 10,000 अगर रखेंगे तुमको 1,000 हर महीना मिलेगा। अच्छा। वैसे ऐसे करके और सोना बोले 1 तोले में 1,500 देंगे। दो चार बार मिला, वो भी उसी में डाल दिया उसके पास ना, ऐसे ही अभी क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। डेढ़ साल हो गया,
डेढ़ साल हो गया, पिछले साल 5 तारीख नवंबर को रखे थे। उसने क्या बोला था कि मतलब ये दुबई का माल है, दुबई का स्कीम है, गरीबों की मदद है, ऐसा करके इन्होंने मतलब टारगेट दूसरे को बना के हमारे घर पे भेजते थे कि इनको जाके मतलब इतना बोलो कि सोना में तुमको 1500 मिल रहे। वो हमसे सोना भी लेती थी, पैसे भी हमारा सोना निकालने के चक्कर में वापस ले लिए और सब ले के मतलब चले गए यहाँ से। बोले डबल करो, एक का डबल कर हमारे पास सोना ले उठाओ। हाँ, सब ले होके सब लेके वो फरार हो गए। हमारा ही सोना, हमारा सोना हमको उल्टा बोल के लड़की की शादी के लिए क्या बोलती थी, बोले लाभ उठाओ, एक का बोले डबल कमाओ और कस्टमर लेकर आओ, एक का बोले डबल देंगे, 10,000 देंगे तो तुमको 1,000 महीने का मिलेगा, जो 1,00,000 भरेगा उसको 10,000 मिलेगा महीने का, ऐसा ऐसा। जेवर भी उसने पूरा, लड़की का जेवर मेरे बचा था आखिरी शादी के लिए, उसने भी वो पूरा ले ली, बोलती है लाओ तुमको 2 पैसा मिलेगा, ऐसा बोली। मेरी लड़की की शादी भी रुक गई है उसके जेवर लेने से, झूठ का लालच दी, गुमराह करी।